उत्तर प्रदेश में 2200 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 40 की मौत, 500 से ज्यादा मरीज ठीक। आगरा में 455 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 14 लोगों की जा चुकी है जान। मुंबई से यूपी साइकिल से जा रहे एक शख्स की मौत, पुलिस ने कहा थकावट और भूख हो सकती है वजह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। प्रयागराज में महाराष्ट्र के नासिक से लौटे शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप, कॉन्टेक्ट माई लोगों को किया गया क्वारंटाइन। ललितपुर जिले में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को गोली मारकर की खुदकुशी, पत्नी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। सुल्तानपुर में लाइन हाजिर दरोगा के स्वागत में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, वीडियो हुआ वायरल। फिरोजाबाद में फर्नीचर बाजार में लगी भीषण आग, एक दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दिखा गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण, नमाज पढ़ते पुलिस वाले को धूप से बचाने के लिए आ गया दूसरे धर्म का पुलिस वाला। गोरखपुर के बांसगांव में बीजेपी सांसद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना लोगों का हाल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की दी सलाह। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बर्थडे केक लेकर पहुंची पुलिस, माँ ने बेटी के केक मंगाने के लिए किया था ट्वीट,